नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो मार्केट के अंदर आज थोड़ा ये कह सकते हैं कि ट्रिगरलेस मार्केट होगा, क्योंकि मार्केट का उसको ऐसा बड़ा संकेत नहीं है जिसकी बेसिस पे बाजार अपनी रेंज को ब्रेकआउट करे। तो वापस रेंज में ट्रेड करने के लिए आप तैयार हो जाइए। FIs और DIs की तरफ से खास बड़ा रोल नहीं है इस समय मार्केट के अंदर। तो आज मार्केट के अंदर इंडेक्स छोड़िए, स्टॉक्स पकड़िए, ये दिन हो सकता है। फटाफट से देख लेते हैं इस समय NSE Nifty का क्या है, उसके बाद अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से आज के मेहमानों से जुड़ेंगे और समझेंगे कि आज करना क्या है। NSE Nifty इस समय आपको जो संकेत दे रहा है 20 अंकों की गिरावट के साथ है। अगल बगल ग्लोबल मार्केट अगर आप देखें तो कुल मिला के वो संकेत तब मिक्सड ही रहे हैं, लेकिन फिर भी ये 20 अंकों की जो गिरावट इस समय NSE Nifty में देखने को मिल रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट के अंदर पूरी तरह से रेंज रहेगी, संभल कर ट्रेड करने का इस समय समय होगा। आगे आउटलुक के हिसाब से समझ लेते हैं कि आज का बाजार का आउटलुक इस समय क्या था। ग्लोबल मार्केट से जो कमजोर संकेत हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर आपको थोड़ा सा आप दायरे में ही ट्रेड करना चाहिए। हफ्ते के पहले दिन सीमित दायरे में कारोबार संभव है। ये सीमित दायरा भी आपके सामने हम रखेंगे कि इंडेक्स में आज की भी जो रेंज होगी वो कहीं ना कहीं 8120-8230 के बीच में ही रहने वाली है। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं होगा। हाँ, क्योंकि हम डेरिवेटिव एक्सपायरी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो जो पुट राइटिंग है, जो कॉल राइटिंग है, अब राइटिंग पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि कौन से अपने उल्टे सौदे बेच रहा है कॉल में और पुट में। ये भी आपके सामने हम डेरिवेटिव के नज़रिए से बताएंगे कि निफ्टी के अंदर आज क्या करना चाहिए। कुल मिला के रेंज 8200 से जस्ट नीचे, 8100 के जस्ट पास, यही शायद आज की रेंज निफ्टी की रहने वाली है। जी, तो एक रेंज में कामकाज हो सकता है, डल मार्केट हो सकता है, लेकिन इस डल मार्केट के लिए क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से कैसे एक बार उनको समझ लेते हैं। एक क्यू आपके स्क्रीन पर जो कि NSE Nifty है 20 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है 8127 के लेवल्स पर। लेकिन संदीप के पास चलते हैं न्यूज रूम और सभी विदेशी बाजारों का हाल जान लेते हैं। हालांकि आज की शुरुआत से पहले अगर हमने ज्यादातर एशिया बाजार को देखें तो वो कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। बिहेवियर जो है एशियन मार्केट्स का वो मिक्स्ड है। यूएस मार्केट्स को देखें तो 1/4% या फिर कहें नेगेटिव बायस के साथ ही यूएस मार्केट्स की ओपनिंग हुई है। तो यूएस और एशिया का हाल आपने देखा, लेकिन ओवरऑल जो क्यूज मिल रहे हैं आज की शुरुआत से पहले वो समझना जरूरी है। हालांकि एक क्रूड के बिहेवियर पर भी नजर रखना होगा, जहां पर हमने वापस निचले स्तरों से थोड़ा सा पुलबैक देखा है और जो ब्रेंट क्रूड है वो अब वापस $55 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन संदीप के पास चलते हैं और इंटरनेशनल मार्केट से क्यों समझ लेते हैं, बताइए संदीप। वाली कमजोर क्यूज हैं एशियन मार्केट्स में, अगर आप देखिए कॉस्पी को छोड़ दो तो बाकी सभी मार्केट्स में आपको कमजोरी के साथ ही कारोबार नजर आएगा। और ऐसे निफ्टी भी 8130 के आसपास के लेवल शो कर रहा है। दरअसल डेवलप मार्केट्स संकेत काफी कमजोर हैं। यूरोप यूएस के मार्केट्स कल 1/4% के आसपास शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुए। वो शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से प्रेशर साफ तौर पर देखने को मिला, क्योंकि कुछ पोलिटिकल अनरेस्ट जैसी जो सिचुएशन है वो राइज हो रही है चाइना और साथ ही साथ यूएस के बीच में। खबरें ऐसी थी कि चाइनीज नेवी ने यूएस की अंडर वाटर ड्रोन को सीज किया है, ऐसी खबरें निकल के सामने आई कारोबार के आखिरी मिनटों में। उसका इंपैक्ट देखिए, ऊपरी स्तरों से बाजार फिसल कर बंद हुए। फाइनेंशियल और आईटी ये दो ऐसे स्पेस थे जो कि साफ तौर पे यूएस के मार्केट्स के ऊपर प्रेशर बनाने थे। ना केवल शेयरों के ऊपर प्रेशर देखने को मिला, बल्कि ट्रेजरी यील्ड और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स, इनमें भी गिरावट देखने को मिली। और सोना जो कि सेफ हेवन है, इसमें खरीदारी देखने को मिली। और येन में डॉलर के मुकाबले मजबूती आई, जिसका इंपैक्ट आप देखिए निके जैसे जो मार्केट्स हैं उनमें साफ तौर पर देखने को मिला है। यूरोपियन मार्केट्स हालांकि 1/4% के आसपास गेंस दिखा रहे थे। डॉलर में करीब एक डॉलर के आसपास का सर्ज है। WTI क्रूड $52 और ब्रेंट क्रूड करीब $55 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से पॉलिटिकल अनरेस्ट की खबरें निकल के सामने यूएस में, उसका इंपैक्ट आप देखिए ज्यादातर एशियन मार्केट्स में देखने को मिला है, क्योंकि उसमें क्या डेवलपमेंट्स निकल के सामने आते हैं, क्या ये मामला एस्केलेट भी होता है, इसकी चिंताएं हैं जो कि कहीं ना कहीं एशियन मार्केट में भी साफ तौर पर हावी हो रही है। तो उस लिहाज से NSE Nifty भी इंडिकेट कर रहा है कि एक माइल्ड वीक ओपनिंग इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। जी, शुक्रिया आपका संदीप ये क्यूज बताने के लिए। तो क्यूज डेफिनेटली सपोर्टिव नहीं है आज के सेशन में। अब हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, मिस्टर विकास सेठी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर सेठी, गुड मॉर्निंग, कैसा लग रहा है ये हफ्ता, क्योंकि क्यूज तो कोई खास है नहीं, हॉलीडे मूड में मार्केट्स ऑलरेडी अब से आना शुरू हो जाएंगे, ऐसे में इस हफ्ते के लिए या फिर आज के लिए आप निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज क्या देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि डल मार्केट ही रहेगा? गुड मॉर्निंग दीपाली, गुड मॉर्निंग डिम्पी। जहां तक बाजार का सवाल है, बिल्कुल एक हॉलीडे जैसा माहौल है और फिर खास कोई ट्रिगर्स भी नहीं है, मतलब जो भी इवेंट्स होने थे वो हो गए हैं, तो अभी अप टू द न्यू ईयर कोई मेजर ट्रिगर्स भी नहीं है और बाजार में बिल्कुल एक हॉलीडे के लिए FIs वगैरह भी सब नदारद है, तो एकदम डल और एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग नजर आती है। बाकी मुझे लगता है अगर किसी का थोड़ा पोजिशनल व्यू है तो ये जो डल माहौल है या थोड़ा अगर गिरावट के साथ हम खुलते करते हैं तो बाजार में बिल्कुल एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है ये न्यू ईयर के बाद जो जनवरी के महीने में प्री बजट एक अच्छी रैली बाजार में देखी जा सकती है, तो उसको एंटिसिपेट करते हुए आई वुड रिकमेंड गोइंग लॉन्ग ऑन दिस मार्केट्स इन क्वालिटी स्टॉक्स।
जी फटाफट से डेरिवेटिव डाटा को भी समझ लेते हैं। हालांकि एफआईएस की ओर से तो पार्टिसिपेशन नहीं आया है और पिछले पूरे हफ्ते का ट्रेंड देखें तो वो नेगेटिव ही रहा है, लेकिन लेवल्स को लेकर एक इंडिकेशन जरूर मिल पाएगी पिछले सेशन के डेवलपमेंट को देखते हुए। क्या क्यों सर डेरिवेटिव मार्केट से? देखिए डेरिवेटिव मार्केट की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जो रेंज है पूरी तरह से बनी हुई है। आप सिर्फ निफ्टी का आंकड़ा उठाइए, अभी आपके सामने इंस्टीट्यूशनल की सेल बाय चल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा क्वांटम नहीं है इसलिए इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगी, लेकिन आप आंकड़े देखिए, अनवाइंडिंग का प्रेशर है निफ्टी के अंदर। ये करीब जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट माइनस में 4.5% है, इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेडर्स का बिल्कुल मन नहीं है इस रेंज को ब्रेक करने का, और ट्रिगर भी नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ट्रेडर ले तो किस तरह से ले, क्योंकि इंडेक्स ट्रेडर कम से कम एक उसको लेवल चाहिए होता है, वो लेवल ब्रेक हो उसके पीछे न्यूज हो। स्टॉक स्पेसिफिक तो खबरें आती रहती है क्योंकि हजारों शेयर लिस्टेड है, लेकिन इंडेक्स तो एक ही है ना, तो इंडेक्स को एक को जो ट्रेड करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सतर्क होता है, उसको कुछ ना कुछ क्यूज चाहिए होते हैं जो मार्केट में से एब्सेंट है। अब आते हैं बैंक निफ्टी जो एक सपोर्टिव प्ले करता है निफ्टी के साथ, वहां क्या हो रहा है? कुल मिलाकर वहां भी अनवाइंडिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है, वहां पे भी बिल्डअप माइनस का ही है, यानी कि अनवाइंडिंग का प्रेशर यहां पे भी विजिबल है। अब बाजार चल नहीं रहा है, ये चल नहीं इसलिए रहा क्योंकि 8300 की कॉल 8200 की कॉल इन दोनों के अंदर भी राइटिंग है। ट्रेडर्स को इतना भी कंफर्ट नहीं है कि हम शॉर्ट कवरिंग के बहाने 8300 तक पहुंच जाएंगे, ऐसा भी नहीं लग रहा, इसलिए आप 8300 की कॉल देखिए। अनवाइंडिंग का प्रेशर एज इट इज जो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे है वो यहां पर है। 8000 टूटेगा नहीं, ये साइंस भी हमको यहां पे मिल जाएंगे 8000 की पुट से, यहां पर भी अनवाइंडिंग है, तो इसका अनवाइंडिंग का मतलब यह है कि ट्रेडर्स को नहीं लगता कि 8000 के रेंज को ब्रेक करने वाले हैं, तो इसलिए कुल मिला के एक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर इरिटेटिंग बाजार आपको दिखेगा, बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक होने की जरूरत होगी। इंडेक्स में अगर आप ट्रेड नहीं करें तो ज्यादा बेहतर होगा, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही रखें, इसलिए आज के मान से लगातार हम स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति ज्यादा पूछेंगे। इंडेक्स में अगर आपको रेंज ट्रेड करना है तो कहीं भी आप 8100 से थोड़ा सा नीचे 10-20 पॉइंट के नीचे का स्टॉप लॉस रखें, और 8200 और 8200 के जस्ट ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखें। 100 पॉइंट की रेंज शायद निफ्टी के अंदर पूरी तरह से रोटेट होती हुई दिखेगी आपको। बिल्कुल, तो आज की शुरुआत से पहले जो क्यूज है इंटरनेशनल मार्केट से वो खराब है, एफआईएस का बायस भी नेगेटिव रहा है। डीआईएस ने हालांकि बाइंग की है पिछले सेशन में, तो वो एक फैक्टर जरूर है मार्केट्स के फेवर में, लेकिन इसके अलावा अगर आप सेंटीमेंट्स देखेंगे, टेक्निकल देखेंगे, फिर डेरिवेटिव मार्केट के क्यूज देखेंगे तो एक न्यूट्रल इंडिकेशन ही देने हैं, तो एक रेंज में ट्रेड हो सकता है, इसलिए ध्यान देना है सिर्फ स्टॉक्स पर या फिर उन शेयरों पर जो कि आज एक्टिव रह सकते हैं। और जब एक्टिव रहने की बात हुई है तो आज एक नई लिस्टिंग भी है, इसलिए सबसे पहले उसी पर कॉमेंट ले लेते हैं। मिस्टर सिटी, आपकी राय लेना चाहेंगे, लॉरस लैब्स आईपीओ को ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला, ये पार्शली ऑफर फॉर सेल है, पार्शली नए शेयर्स भी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आज लिस्टिंग के बाद करना क्या चाहिए? अगर अच्छी लिस्टिंग हो तो क्या लिस्टिंग गेन्स लेकर निकल आना चाहिए, या फिर प्रीवियस फार्मा स्पेस के लिस्टिंग्स को देखते हुए जो कि परफॉर्मर्स रहे हैं होल्ड करना चाहिए? बिल्कुल दीपाली, एक अच्छी कंपनी है, जो इशू आया था हालांकि उसको बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला था बिकॉज ऑफ द कंडीशंस और सेंटीमेंट्स इन द मार्केट देन, बट मुझे लगता है लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए। मुझे लगता है ये 10-1% के प्रीमियम पे लिस्टिंग होनी चाहिए, 428 पे इशू आया था, और मुझे लगता है बिल्कुल 10% के रिटर्न्स लिस्टिंग पे मिलने चाहिए। तो जिन निवेशकों ने लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर एप्लीकेशन किया था तो वो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बाकी लंबी अवधि में मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से सब्सटेंशियल अपसाइड्स दिखा सकता है, सो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड। मुझे लगता है लंबी अवधि के निवेशकों को इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। ठीक है, ये ओमसीज के अंदर क्या करना चाहिए मिस्टर सेठी, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं अभी, हालांकि पहले ये था कि करीब 7-8 रुपये तक बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा फैसला हुआ कि सरकार शायद इस पूरी तरह से मूड में भी नहीं थी इसको बढ़ाने के, इसलिए फैसला हुआ कि 2-2.25 रुपये तो पेट्रोल के अंदर और 2 रुपये से कम डीजल के अंदर बढ़ोतरी हुई है। ये कुछ फर्क डालेगी या फिर उल्टा नुकसान ही होगा बढ़ोतरी के बाद भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, क्योंकि अंडर रिकवरीज बढ़ गई हैं डीरेगुलेशन उनके बावजूद? नहीं बिल्कुल डिम्पी, मुझे ये जो खबर है कि 2-2.5 रुपये के करीब जो पेट्रोल के दाम बढ़े या डीजल के दाम बढ़े हैं वो जो उम्मीद पहले की जा रही थी उससे तो काफ़ी कम है, लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो थर्सडे फ्राइडे को बिल्कुल ऐसा लगने लगा था कि ये हाइक इस बार होगी नहीं 15 दिसंबर को, बिकॉज मानसून का एक सेशन, पार्लियामेंट का मानसून सेशन चल रहा था, और ऐसा लग रहा था कि इस जो बढ़ोतरी है वो डायरेक्ट अब 1 जनवरी को होगी, तो मुझे लगता है बाजार ने ऑलरेडी चूंकि ये फैक्टर किया हुआ था कि बढ़ोतरी होगी नहीं, और फिर ये जो बढ़ोतरी है दैट शुड बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव सरप्राइज,
और उस जो एंटिसिपेशन के कारण इन स्टॉक्स में गिरावट आई थी थर्सडे फ्राइडे को, तो मुझे लगता है आज पॉजिटिव रहना चाहिए। हालांकि क्रूड में जो इंटरनेशनली भी दाम बढ़े हैं, फिर जो डॉलर भी लगातार बढ़ रहा है, वो सब नेगेटिव है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, बट मुझे लगता है ये एक नीजर पॉजिटिव रिएक्शन होना चाहिए बिकॉज द मार्केट्स वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रेट हाइक ओवर द वीकेंड। तो ये जो प्राइस बढ़ी है, ऑलबिट बहुत छोटी हाइक हुई है, बट ये बाजार की एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में है, इट शुड बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव सरप्राइज। और चूंकि स्टॉक्स ने नेगेटिव रिएक्शन दिया हुआ था, तो मुझे लगता है आज इसमें तेजी बननी चाहिए। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में तेजी आज के सेशन में दिख सकती है। लेकिन मिस्टर सेठी, ये ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं या फिर ऑफशोर स्टॉक्स हैं, यहाँ पर कोई ट्रेडिंग बेट आज के लिए लेनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड फिर से बढ़ा है, ब्रेंट क्रूड वापस $55 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर जब क्रूड ऐसे चलता है तो इन स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग स्विंग्स उस रेस्पेक्टिव डे मिलते हैं, तो कोई ट्रेड आप पिक करेंगे ऑफशोर से या फिर एक्सप्लोरेशन कंपनीज में से? या बिल्कुल दीपाली, ये जो पूरा सेक्टर है ऑयल ड्रिलिंग और ऑफशोर कंपनीज का, ये पिछले कुछ दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जब से ये ओपेक की सहमति या ओपेक और नॉन ओपेक कंट्रीज के बीच में जो सहमति हुई है, उसके बाद क्रूड में हमने अच्छा उछाल देखा है, तो उसके बाद से इन स्टॉक्स में रनअप हुआ है और मुझे लगता है ये रनअप बिल्कुल जारी रहना चाहिए। तो इस सेक्टर में जो मेरी टॉप बेट्स रहेगी वो रहेगी अबान ऑफशोर और सेलान एक्सप्लोरेशन, इन दोनों स्टॉक्स पे मैं बुलिश हूँ, कोई भी गिरावट में बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ये हफ्ता IFCI की एनएससी की जो डेट्स है IPO की वो आ जाएंगी। IFCI बड़ा बेनिफिशियरी है, दो तीन दिन से अच्छा चल भी रहा था, क्या और चलेगा मिस्टर सेठी? बिल्कुल डिम्पी, मुझे लगता है IFCI, हालांकि ये जो जब से न्यूज आई वहां से हमने एक अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस देखा है स्टॉक में, 15-20% ऑलरेडी बढ़ चुका है, बट फिर भी मुझे लगता है स्टॉक में काफी वैल्यू है। NSE के IPO का एक पॉजिटिव ट्रिगर बिल्कुल रहेगा, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में भी खरीदारी की तरफ ही रहना चाहिए। हालांकि चूंकि थोड़ा बढ़ चुका है इसलिए ट्रेडिंग रिएक्शंस बिल्कुल आते हैं, तो कोई भी दिन जब ये स्टॉक गिरता है उस समय बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। जब ये NSE का IPO आएगा उस समय इस स्टॉक में बिल्कुल एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो आई वुड रिकमेंड होल्ड जिन्होंने लिया हुआ है, या फिर खरीदारी करने के लिए कोई भी गिरावट वाले दिन खरीदारी करें इसमें। बिल्कुल, और 20 दिसंबर यानी कल NSE DRHP दाखिल कर सकता है IPO के लिए। IFCI की 3% हिस्सेदारी है, और एक और स्टॉक इस खबर की वजह से आपको ध्यान में रखना है, वो है IDBI बैंक, जिसकी 1% से ज्यादा होल्डिंग है। IDBI बैंक पर भी कमेंट दे दीजिए मिस्टर सिटी। तो बिल्कुल, ये जो ट्रिगर है ये IDBI बैंक के लिए भी बिल्कुल पॉजिटिव है, और वहां पे भी हम देख ही रहे हैं कि स्टॉक में बिल्कुल एक रनअप देखा गया इस अनाउंसमेंट के बाद, और सरकार का भी ऐसे स्ट्रेटेजिक सेल की बीच बीच में खबरें आती है, तो इन लेवल्स पे ये स्टॉक अच्छा लगता है। बाकी NSE के IPO का बिल्कुल एक बेनिफिशियरी रहेगा, तो वहां पे भी एक खरीदारी करनी चाहिए। जी, तो IDBI बैंक और IFCI दोनों पॉजिटिव रेंज में ट्रेड हो सकते हैं NSE IPO की वजह से।